तीन राज्यों में प्रचंड जीत और लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार सीएम फेस को लेकर भाजपा ने ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए हैं। सूत्रों के अनुसार आलाकमान ने तमाम नेताओं से चर्चा और राय शुमारी के बाद तीनों राज्यों के लिए सीएम के नाम पर भी मोहर लगा दी है, लेकिन ये सस्पेंस बरकरार है। राजस्थान के लिए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। ये तीनों जयपुर में विधायकों से मुलाकात करेंगे, राय शुमारी करेंगे और उसके बाद आलाकमान तक बात पहुंचाएंगे। संभवतः 10 दिसंबर को विधायक दल की बैठक जयपुर में बुलाई जा सकती है, जिसमें सीएम के नाम को लेकर आगे रखा जाएगा विधायकों के सामने और विधायकों की राय भी जानी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों ही राज्यों के लिए सीएम के नाम पर लगभग तय कर लिया है, निर्णय कर लिया है और उसके लिए एक फार्मूला तय किया है कि जो डबल इंजन की सरकार के फार्मूले पर फिट बैठेगा ऐसे ही नाम को आगे बढ़ाया जाएगा। पार्टी का मानना है कि जनता ने तीनों राज्यों में जिस तरह से स्पष्ट बहुमत पार्टी को दिया है उससे काम करने का दबाव भी बढ़ गया है। जनता की अपेक्षाओं को तेजी से पूरा करना होगा और तीनों राज्यों में 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी सीटों को जीतना भी एक लक्ष्य है। राज्यों में ऐसा नेता चाहिए जो पार्टी की प्रसिद्धि दिलाने के लिए कार्य करे, न कि खुद के लिए। खास तौर पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ऐसे चरों को कमान देने की तैयारी है जो पार्टी की परफॉर्मेंस दोनों स्तर पर, सैनी संगठन और पार्टी स्तर पर साबित कर सके। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सीएम कौन होगा, इसको लेकर शीर्ष नेतृत्व ने गोपनीयता बरती है और ऐसा इसलिए पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने पत्रिका से बातचीत में बताया कि वो इसलिए गोपनीय रखा गया है ताकि विधायक दल की बैठक की गरिमा बनी रह सके। माना जा रहा है कि 10 दिसंबर रविवार को ये विधायक दल की बैठक जयपुर में होगी और उसी में जो तीनों ऑब्जर्वर है वो सीएम फेस को लेकर आगे नाम रखेंगे और विधायकों की सहमति के बाद आलाकमान तक उसे पहुंचाएंगे और उस पर मोहर लग जाएगी। फिलहाल विधायक दल की बैठक में क्या होगा, ऑब्जर्वर क्या बातचीत करेंगे और कौन सीएम होगा, ये भविष्य के गर्भ में है और आलाकमान भी इसमें गोपनीयता बरते हुए हैं। और ऐसी ही तमाम जानकारी और अपडेट जानकारी के लिए आप बने रहिए पत्रिका के साथ। पत्रिका.com, पत्रिका यूट्यूब और फेसबुक पेज के माध्यम से तमाम जानकारी, तमाम सीएम को लेकर तमाम अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।